यहाँ मैंने बाउल में 1 कप चावल ले लिया है। चावल को मैंने पहले से उबाल के रखा है। इसमें हम 1 कप ताजा दही मिला लेंगे। दही को हम चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी समय मैं इसमें 1/4 कप दूध भी मिला लूँगी। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप चावल को इस समय थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं। अब हमें राइस में तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में 1 चम्मच तेल डाल के पहले से रेडी रखा है। तेल जैसे गर्म होगा हम इसमें 1 चम्मच राई के दाने डालेंगे। राई के दानों को यहाँ हम अच्छे से पकने देंगे। जैसे वो पक के अच्छे से फूट जाए हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच उड़द दाल। उड़द दाल को भी हमें यहाँ 1.5 से 1 मिनट तक थोड़ा सा पका लेना है। ये हल्का सा कलर चेंज करे उसके बाद हमें इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच हींग। इसी के साथ 1 से 2 लाल मिर्चें। इसकी जगह आप हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 8 करी पत्ते भी हम इसमें मिला लेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम 1/2 से 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे। अब हमारा तड़का यहाँ तैयार हो गया है। चावल का जो मिश्रण हमने रेडी रखा था उसमें अभी हमें तड़के को यहाँ मिला लेना है। इसे हम चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच नमक भी मिला लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया जिसे भी हमें काट के इसमें मिला लेना है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा कर्ड राइस तैयार हो गया है। सर्व करने के पहले इसे 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखिए, फिर उसे सर्व कीजिए।